नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सैकड़ों महिला सफाई कर्मियों के वेतन में की जा रही कटौती की समस्याओं के निराकरण के लिए श्रम अधिकारी के कार्यालय का घेराव करते हुए 20 जनवरी 2022 को पहली बार ज्ञापन सौंपा गया था। जिले में संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सफाई कर्मचारी जो विगत 11-12 वर्षों से कार्यरत हैं, अपनी वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर से भी गुहार लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों जिनकी संख्या लगभग 200 है, उनको न्यूनतम वेतनमान के तहत राशि देने की बात प्रशासन से की जा रही थी, लेकिन उनके खाते में हर महीने सिर्फ 7,000 वेतन ही कॉल मी सर्विस नामक ठेका कंपनी द्वारा दिया जा रहा था, जबकि उनका वेतन 9,000 के आसपास है। ऐसे में 200 कर्मचारियों के करोड़ों रुपए ठेका कंपनी द्वारा काट दिया जा रहा था। इस सभी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष तरुणा विदरकर ने श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद श्रम न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि सभी सफाई महिला कर्मचारियों को बकाया पूरी राशि दी जाए। वहीं आप पार्टी की जिलाध्यक्ष तरुणा बिदरकर ने बताया कि उनको एक दिन भी अवकाश नहीं दिया जाता। पूरे महीने वो अस्पताल की सफाई, टॉयलेट बाथरूम की सफाई का कार्य करती हैं। उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर मांग दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद श्रम न्यायालय ने 7,41,07,800 रुपये दिए जाने का आदेश ठेका कंपनी को दिया है। 9 साल से मेरे को पहले मिल रहा था 3,500, तब से लगी 3,500 के बाद 4,000 हुआ, 4,000 के बाद 5,000 हुआ, ऐसे टाइप हो के सर अभी 7,000 हाथ में मिलता है। तो आपको पता है कि कितना सैलरी आता है? सर पहले पता नहीं था, बोल के हम लोग जब करुणा मैडम से मुलाकात हो गई, यहाँ ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर में आए थे, करुणा मैडम से फिर इधर ही मुलाकात हो गई हम लोगों का, तो मैडम हम लोगों को पूछे तो मैडम को हम लोग सब जन बताए कि हम लोगों को 7,000 अकाउंट में दिया जाता है, 1,000 PF कट के बोल के हम लोग बोले। तो मैडम इस चीज़ के लिए मांगों को लेकर मैडम यहाँ ज्ञापन भी दिए, और मैडम सब कुछ हम लोग के लिए सफाई कर्मी दीदी जितना भी है उसके लिए हमारे करुणा मैडम ने लड़े हैं। इसका ये था कि 9,540 जो एक मिनिमम वेज होता है, जो वेतनमान जो तय किया जाता है गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में जब एक एग्रीमेंट होता है, तो उसके तहत तो 9,540 का एग्रीमेंट हुआ था और ठेकेदार को 9,040 रुपए देना चाहिए, लेकिन इन सफाई कर्मियों को 12-12 सालों से मात्र 7,000 उनके अकाउंट में दिया जाता था। तो 2,500 रुपए का पूरा मामला है घोटाले का, जो ये पूरे कॉल मी सर्विस जो है उनके द्वारा गबन किया जा रहा था।